नेता जी लोग चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के टोने टोटके और जुगत लगाने में लगे हुए हैं। कुछ प्रत्याशी मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं तो कुछ पंडित से समय पूछकर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी क्रम में महागठबंधन के समाजवादी पार्टी के गोंडा लोकसभा के प्रत्याशी विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह ने नामांकन दाखिल किया। पूर्व मंत्री ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान पीएम मोदी की चौकीदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि चौकीदार चोर है और ये सब तो जनता जान रही है, ये चौकीदार के काबिल ही नहीं है। हमने लोकसभा गोंडा से आज प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। तो क्या पहला आप कैसे क्या? और हमारा पहला पर्चा दाखिल हुआ है और जनता के आशीर्वाद से सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल और जो है का ये जो गठबंधन का मैं प्रत्याशी हूँ, निश्चित रूप से जो है जनता के आशीर्वाद से जीतूंगा। आगामी 6 मई को होने वाले चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की है। मतदाताओं को रिझाने के लिए सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी बोर्ड बनाया जिसमें अधिकारियों ने अपना हस्ताक्षर कर सेल्फी भी खींची। इस कार्यक्रम में डीएम एसपी सीजीओ सहित जिले के और भी अधिकारी और युवा मतदाता मौजूद रहे। ये कार्यक्रम गोंडा शहर के इनकैन चौराहे पर रखा गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि अब मतदान बहुत निकट आ जा रहा है और नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, तो आज पुलिस चौकी इनकैन पे एक सेल्फी पॉइंट और एक सिग्नेचर कैंपेन का हमने उद्घाटन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता आके जागरूक होकर इस मतदान के हमारे महापर्व में शामिल हों। और हमारी चेष्टा यही है कि गोंडा जनपद के जितने भी निवासी हैं वो सभी अपने मत का प्रयोग करें और अच्छे से अच्छी संख्या में निकल के बाहर आएँ। और मतदान का जो हमारा प्रतिशत है वो पिछले सालों में 57 और 58% रहा है, उसको इस बार बढ़ा के हम कोशिश करें कि हम 70% से ऊपर किसी भी दशा में लेके। लोकसभा चुनाव में सत्ता वापसी के लिए संघर्ष कर रही केंद्र की मोदी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से संजीवनी मिली है। हाईकोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना की न सिर्फ तारीफ की बल्कि इसे किसानों के लिए बेहद फायदेमंद करार देते हुए मोदी सरकार को धन्यवाद भी किया। अदालत ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाएं शुरू की हैं, आयुष्मान भारत योजना उनमें से एक है। जस्टिस एसपी केसरवानी की सिंगल बेंच ने जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना के शुरू होने से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरा हो गया जो उन्होंने किसानों की खुशहाली को लेकर देखा था। कोर्ट ने इसके बाद देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का क्या सपना था, महात्मा गांधी का क्या सपना था। इसके बाद समस्त तथ्यों को विचार करते हुए कोर्ट ने भारत सरकार, वर्तमान भारत सरकार की आयुष्मान योजना को साथ धन्यवाद देते हुए यह सहर्ष कहा कि प्रथम बार जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो सपनों को साकार हुआ है वो प्रथम बार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हुआ है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।